नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्चना गार्डन में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 7 ऐसे तकदीर बदलने वाले शुभ पौधे जो आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। वो कौन कौन से पौधे हैं और उन्हें किस दिशा में लगाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यह पहला पौधा तुलसी है दोस्तों। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी माता का वास होता है और यह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुलसी जी के बिना ठाकुर जी को कोई भोग नहीं लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में शुद्ध और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी जी के पास से जो भी हवा गुजरती है तो वह व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है। इसका नित्य पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संकटों का नाश होता है, बुरी नज़र का भी नाश होता है। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मकता को नाश करता है। तुलसी के पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के साथ साथ घर में भगवान विष्णु का भी वास हो जाता है। दोस्तों, तुलसी जी का सूखना शुभ संकेत नहीं माना जाता, इसलिए तुलसी जी की केयर ऐसे करनी चाहिए कि ये सालों साल आपके घर में बना रहे। तुलसी जी के साथ साथ आप अपने घर में वो कौन से पौधे लगा सकते हैं जिससे कि सकारात्मकता के साथ साथ धन की भी बारिश होती है। तो दूसरा जो पौधा मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आंवले का पौधा है। धार्मिक दृष्टि से भी आंवले का घर में बहुत ही महत्व है। यदि कोई एक आंवले का वृक्ष लगाता है तो उस व्यक्ति को एक राजसूय यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन, तो इसके कितने महत्व हैं हम सबों ने देखा ही है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर करने से कितने शुभ फल प्राप्त होते हैं, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से उस दिन आंवला खाने से इसके पत्ते भी यदि खा लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि उससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तु के दृष्टि से भी आंवले के वृक्ष को लगाना शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जलाने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। आंवले के पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। आंवला सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होता है तथा बहुत सारे मेडिसिन में भी यह बहुत ही काम आता है। अगर घर में आप आंवले के पौधे को लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा सुख समृद्धि बढ़ती ही जाएगी। आंवले के वृक्ष को लगाने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि इस पौधे को लगाने से भगवान विष्णु का वास आपके घर में हो जाएगा, क्योंकि इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए इस पौधे को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के लिए आप जरूर लगाएं। इस पौधे का नाम पारिजात है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलते हैं और उसकी डंटल ऑरेंज कलर के होते हैं, जो ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस पौधे का एक नाम और है हरसिंगार। कहा जाता है कि इस पौधे को भगवान इंद्र ने स्वर्ग में लगाया था। इसके छोटे छोटे उजले उजले फूल होते हैं और उसके डंटल नारंगी कलर के होते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। फूल रात में ही खिलते हैं और जैसे जैसे धूप निकलती जाती है तो वह झड़कर ज़मीन पर गिर जाते हैं और वही फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि यह फूल भगवान लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और इस फूल को चढ़ाने से भगवान लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। यह फूल बहुत ही शुभ तथा पवित्र माने जाते हैं। पारिजात के पौधे में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग सूखी खांसी, पुरानी बुखार और त्वचा संबंधी रोगों के लिए किया जाता है। इसके फूल की खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि दूर दूर से भी वातावरण को सुगंधित कर देती है। इसे गमले में भी लगाया जा सकता है और जब गमला से पौधा बड़ा हो जाए तो उसे आप ज़मीन पर किसी मंदिर वगैरह में लगा दें तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है। यह पौधा भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस पौधे को भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। ये जो चौथा पौधा हमारा है, इस पौधे का नाम है क्रासुला ओबाटा या जेड प्लांट। इस पौधे की छोटी छोटी पत्तियां देखने में भी बहुत ही खूबसूरत होती है और यह बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा लग भी जाता है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि ये
धन को चुंबक की तरह खींचता है। लेकिन यदि आपके घर में ये पौधा नहीं है तो आपको यह पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता दूर होता है। इसे आप अपने मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखेंगे तो आपको ज़्यादा ही फल प्राप्त होगा। यह बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। ये पांचवा पौधा पान है दोस्तों। कहा जाता है कि पान के पौधे में देवी देवताओं का निवास होता है। इसमें कभी भी भूलकर जूठा पानी नहीं डालना चाहिए। इसे हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो मुंह की दुर्गंध का कारण बनने वाले बैक्टीरिया का खात्मा कर देते हैं। यह दांतों में होने वाली कैविटी, प्लैंक, सरन, सूजन आदि से भी राहत देते हैं। पान का पत्ता लगभग सभी पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इसे आप गमले में और ज़मीन दोनों ही जगह लगा सकते हैं। इसकी बेल ऊपर की तरफ जाती हुई रहती है तो इसमें पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इस शुभ पौधे को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। छठा पौधा मनी प्लांट है। यह एक कॉमन पौधा है। यह सभी घरों में पाया जाता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह होती है कि मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो ऊपर की ओर जाएं, नीचे ना गिरें। नीचे गिरने से यह तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं। मनी प्लांट के पौधे में भी जूठा और गंदा पानी न डालें। ये भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले पौधे हैं और साथ ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले पौधे भी हैं। मनी प्लांट मिट्टी और पानी दोनों ही जगह बहुत ही आसानी से लग जाती है। यह बहुत ही हार्डी प्लांट है। बहुत कम केयर में बहुत लंबे समय तक चलती है। इसे आप अपने घर में एक बार लगा लेंगे तो यह सालों साल आपका साथ निभाएगी। यदि आपके घर ये पौधा ना हो तो आपको ये पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। सातवा पौधा अपराजिता है दोस्तों। इस पौधे को धन की बेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल भगवान विष्णु, शंकर और माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय हैं। इस पौधे को घर के उत्तर पूर्वी कोना में लगाना चाहिए। यह एक वास्तु दोष दूर करने वाला पौधा है। गुरुवार और शुक्रवार को यदि आप इस पौधे को लगाते हैं तो वह बहुत ही शुभ होता है। इसके फूल, पत्तियों तथा जड़ों का मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। इसके फूल से ब्लू टी बनाई जाती है। यह बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसे आप घर और ज़मीन दोनों ही जगह लगा सकते हैं। यह एक परमानेंट प्लांट है जो सालों भर आपके घर में फूल देता रहेगा। इसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यह बहुत ही आसानी से उगने वाला पौधा है। इसे बीज और कटिंग दोनों ही तरह से लगाया जा सकता है। यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। आप अपने घर में इस पौधे को भी ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय।